हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G मोबाइल में आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाता है, आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर देखने को मिल जाता है डिवाइस अनलॉक, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप जो भी पैटर्न यहाँ से सेट करना चाहें वो यहाँ पर कर लेंगे, इस प्रकार से डाल लेंगे। डालने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने फिंगर को ऐड कर लेना है। जो भी फिंगर दोस्तों आप यहां पर ऐड करना चाहें उसको आप इस प्रकार से टच करेंगे, इस प्रकार से यहां पर ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा यहां पर फिंगर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों, आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप इस पर टिक कर देंगे, एनरोल पर क्लिक कर देंगे, आपका यहां पर फिंगर लग चुका है। दोस्तों, जब भी आप अपने इस फोन को बंद करेंगे, बंद करने के बाद दोस्तों, अब दोस्तों आप इसको अपने फिंगर से अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।